हेलो दोस्त अमित, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, कैसे हो तुम? हे गवीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाय, हाय, कैसे हो? देखकर अच्छा लगा। ओके ठीक है, शो इज ओवर। क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी गाइस, ये कॉल लेना पड़ेगा। हाय, आपको दिख रहा है? एक काम करिए, उसकी एक पिक्चर भेजिए, कोशिश करिए। ओके, अगर पिक्चर नहीं भेज सकते तो मुझे लोकेशन भेज दीजिए। चलो बाय। हे गाइस, मुझे जाना पड़ेगा। बेन, नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? अब दोस्त से पहले सांप हो गए हैं ना? क्यों? रेस्क्यू कॉल आने का कोई वक्त नहीं होता है, और एक बार कॉल आया तो मुझे तुरंत रिस्पॉन्ड करना होता है। तो मुझे कॉल आया प्रदीप का, और उसने कहा कि ट्रांसफार्मर में सांप फंसा है, ये MCB या सर्किट ब्रेकर होता है, और उन्होंने कहा कि सांप अंदर है। उन्हें नहीं पता कि सांप अंदर कब आया, लेकिन वो अभी टर्मिनल्स के बीच में है। मैंने उसे तुरंत इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करने को कहा, ताकि सर्किट बोर्ड में जा रही पावर बंद हो जाए। ये सांप की सुरक्षा के लिए है। दिन के मुकाबले रात में रेस्क्यू करना ज्यादा चुनौती भरा होता है, क्योंकि ये सांप रात के हिसाब से ही ढले हुए होते हैं। तो भले ही ये शिकार कर रहे होंगे या फिर घूम रहे होंगे, ये हमेशा आपसे दो कदम आगे रहते हैं। हाय प्रदीप। हाय, सॉरी तुमको इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं। तो सांप कहाँ है? उस तरफ, उस पैनल के अंदर है। ये मेरे लिए आम रेस्क्यू कॉल नहीं था, ना ही कोई साधारण नाइट रेस्क्यू कॉल। इसकी कुछ वजह है। पहली ये कि काफी अंधेरा है, दूसरी ये कि वो सर्किट बोर्ड में है, इसलिए उन्हें पूरे यूनिट की इलेक्ट्रिकल सप्लाई रोकनी पड़ी, और यहाँ कोई भी आर्टिफिशियल एम्बियंस लाइट भी नहीं है। तीसरी वजह ये कि सांप इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में है, तो मुझे ना सिर्फ सांप से खतरा है, बल्कि उन लाइव वायर से भी जो सर्किट बॉक्स में हो सकते हैं। वहाँ काफी खतरा था, तो सांप को निकालने की कोशिश में उसे करंट लग सकता था, और उसे स्टील की बनी अपनी हुक स्टिक से पकड़ने में मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था। इसी पैनल के अंदर था, इसी में। अच्छी बात है कि इन्होंने इस होल को ढक दिया है जिससे सांप अंदर आया था, और सांप शायद इसलिए अंदर आया होगा कि यहीं कहीं चूहों ने घर बनाया होगा। तो जब बेन ने उस बॉक्स के पास पहुंचकर उसे खोला, तो उन्हें कई सारी वायर्स दिखाई दी। ये रहा सांप। ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। ओ, तुम्हें दिख रहा है क्या? हाँ। अरे हाँ, मुझे मुझे भी वो टेस्टर देना प्लीज। हाँ देता हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं खुद से टेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे कोबरा दिख गया था, और मुझे उसे वहां से निकालना था, लेकिन उससे पहले मैं ये पक्का करना चाहता था कि उस पैनल में लाइव वायर्स नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि पावर कट हो चुकी है, और मैंने टेस्ट भी किया है, कोई लाइव वायर नहीं है, और कोबरा यहीं पर है। ये सब देखकर सांप बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा। आसपास लोग हैं, शोर है, इस हलचल की वजह से वो सर्किट स्विच बॉक्स के नीचे वाले पार्ट में चला गया है। उस पर एक होल है। होल है यहाँ पर? अच्छा, उस होल पर मेरा ध्यान नहीं गया था। अब मैं यही उम्मीद कर रहा था कि इस बॉक्स में एक ही ओपनिंग हो और बाकी हर तरफ से ये बंद हो। ये ऊपर से होकर इस कंपार्टमेंट में चला गया है। मुझे 3 या 4 स्क्रूज खोलने होंगे ताकि मैं उसे बाहर निकाल सकूं। तो मैंने सबसे लॉजिकल रास्ता अपनाया, जो वहां मौजूद उस छोटी यूनिट को खोलना था। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई बैग लेकर आऊं या फिर? हाँ, बस और? तुम बैग को बैगर पर तैयार रखना। हाँ। अब ये करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सांप को बाहर निकालने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। सांप खुद को बचाने की कोशिश करेगा, अपना फन उठाएगा और हिस करेगा। यहाँ बहुत सी वायर्स हैं, जगह भी बहुत है छिपने के लिए। ये सांप परेशान होने वाला है, और अगर वो परेशान हुआ तो मेरी भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतना तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। लुईस, तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार। तो जैसे ही मैंने स्क्रूज हटाए और लिड को खोला, तो मेरी उम्मीद के मुताबिक कोबरा वहीं था, और उसने अपना फन उठाया हुआ था। ये ऐसा तभी करते हैं जब ये डरे हुए होते हैं और खतरा महसूस करते हैं। ये हमले से ठीक पहले ही ऐसा किया करते हैं। जरा देखो इसे, ये छोटा सा यंग कोबरा है। तुमको दिख रहा है वो आंखें छिपा रहा है? वो हमें देख नहीं पा रहा, तो उसे लग रहा है वो सेफ है। बुरी हालत में है, काफी परेशान भी, बहुत अच्छी तरह बैठा है।
कौन सोच सकता है, मतलब आप मेंटेनेंस इंजीनियर हैं तो आप नॉर्मली सोचेंगे कि आपको शॉक न लग जाए, लेकिन आपको ये ख्याल भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई सांप भी बैठा हो सकता है। देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करेगा, मैं नहीं चाहता कि ये पीछे जाए। इसे ऊपर मत जाने देना बेन, वो ऊपर जा रहा है। बेहद फुर्तीला है ना, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा था कि एक अच्छे एंगल से कोबरा को हुक करूं। डरा हुआ है, मैं कोबरा को हुक से पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसने एक बार फिर से मुझे हैरान कर दिया। वो बॉक्स से फिसल कर जमीन पर गिरा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। यहाँ बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि इस जगह की सारी लाइट्स ऑफ है। कोबरा इतनी तेजी से भागा कि सब पीछे की तरफ हट गए। कोबरा तेजी से भाग रहा था, उसका फन नीचे था, उसने फन उठाया नहीं था तो बस ये भाग कर कहीं छिपना चाहता था। बैग को क्लियरिंग में ले जाओ लुईस। तो मेरे लिए सांप की पूंछ को पकड़ने का ये सही वक्त था, तो मैं उसकी पूंछ तक पहुंचा, मैंने उसे ऊपर उठाया और अपना हुक उसके नीचे लगाया। ये छोटा सा साफ सुथरा सांप है। इसी वजह से रात का रेस्क्यू दिन के रेस्क्यू से अलग हो जाता है। दिन में मैं बैग का इस्तेमाल करता हूँ डार्क प्लेस की तरह ताकि सांप इसमें जाकर छुप जाए, लेकिन रात में सांप कहाँ है ये देखने के लिए मैं बैग पर लाइट मार रहा हूँ। ये कंडीशन सांप के लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है। सांप अंधेरे में जाना चाहता है और अंधेरा मेरे चारों तरफ है। ज्यादातर सांपों की तरह कोबरा की आंखों में भी खास सेल्स होते हैं लाइट ढूंढने के लिए, ताकि ये कम लाइट में भी शिकार कर सकें। इनकी आंखों में लेंसेज होते हैं जिनसे ज्यादा यूवी लाइट अंदर जाती है और ये अंधेरे में भी देख पाते हैं। ये हमारी तरफ वापस आ रहा है। बेन अपना हाथ बचाना, वो तेजी से आ रहा है। तो मैंने सांप को बैग की तरफ वापस लाने की कोशिश की। मैंने एक बार की, दो बार की, लगातार कोशिश की, लेकिन सांप बार बार बैग की तरफ जाता फिर वापस आ जाता और अंधेरे की तरफ जाना चाहता। वो अंधेरे वाली जगह पे जाना चाहता है। दिक्कत यही है कि मेरी टॉर्च से बैग में रोशनी हो रही है तो वो मेरे पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। बेन कोबरा को हुक करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी क्योंकि हुक फिसल रहा था। ठीक है, एक काम करो, बैग को उठाओ, मैं इसे ऊपर से डाल देता हूँ। हाँ, ऊपर उठाओ, बहुत सही। ठीक है, तैयार हो? हाँ ठीक है। बेन ने तभी अपने तरीके को बदलने का सोचा। उन्होंने मुझे बैग ज्यादा ऊपर ना करने के लिए कहा और उनका जो तरीका था वो था कोबरा को ऊपर से बैग में ड्रॉप करना ताकि मैं जल्दी से बैग को लॉक कर दूं। हाँ, इसे इस तरफ रखो, थोड़ा सा नीचे रखो। हाँ, थोड़ा और नीचे। हाँ, बस वहीं पर। चलो ठीक है। तो मैंने सांप को हुक से पकड़ लिया था, उसे पूंछ से पकड़ कर मैं बैग की तरफ ले जा रहा था। मैं चाहता था कि तेजी से सांप को बस बैग में डाल दूं, लेकिन मैंने जैसे ही ये किया सांप हुक के जरिए फिर से बाहर आ गया। मैंने दो बार कोशिश की लेकिन सांप अंदर नहीं जाना चाहता था। तुम अपनी जगह से हिलना मत। हाँ, मैं नहीं हिल रही। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लुईस से कहा कि मैं तीसरी बार सांप को बैग में डालने की कोशिश करूंगा, तो मैं जैसे ही इसे अंदर डालूं तुम बैगर को बहुत तेजी से हिलाना ताकि सांप की ऊपर लैसो पर ग्रिप ना बन पाए और ये अंदर गिर जाए। ठीक है, 1 2 3। और जैसी उम्मीद थी, उसने एज पर पूंछ से ग्रिप बना ली, इसीलिए मैं चाहता था कि लुईस बैग को हिलाए ताकि उसकी लैसो पर ग्रिप ना बन पाए। हिलाओ हिलाओ। उसने तेजी से बैग को मोड़ा और आखिरकार सांप सुरक्षित बैग में था। लुईस ने इसे बैग में रखने के दौरान अच्छा काम किया। ग्रेट जॉब, गुड जॉब।
जैसे ही कोबरा बैग में सुरक्षित पहुंच गया, बेन ने फैक्ट्री वर्कर्स से कहा कि वो सारी लाइट्स ऑन कर दें। और जब लाइट्स ऑन हुई तब मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है कि आपके किसी स्टाफ ने पैनल के अंदर हाथ नहीं डाला। हाँ। शॉक तो लग ही सकता था, साथ ही आपको सांप भी काट लेता, कुछ भी हो सकता था। लुईस को घर जाना था लेकिन मेरे लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और कॉल है जिसे अटेंड करना जरूरी है। एक कोबरा की जान खतरे में है और मैं वक्त नहीं गवा सकता था।